हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एरोलाइट योगा मैट के बारे में। मैंने ये योगा मैट ऑनलाइन परचेज़ करी थी, तो मैं इसका रिव्यू दे रहा हूं कि आपको ये योगा मैट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा, इसके विड्थ के बारे में, लेंथ के बारे में। सो मैं आपको बताता हूँ इसमें। मैंने ये योगा मैट ऑनलाइन परचेज़ करी थी, आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन इतने रुपए की है, 1169 रुपीस की इस समय है। मुझे भी ये 1100 के आसपास ही मिली थी। ये आप देख सकते हैं 6.5 mm वाली है, सनराइज़ ऑरेंज मैट। ये मैंने मंगाई थी, इसकी जो विड्थ है वो 28 inches है और लेंथ इसकी 74 inches है। सो मेरे हिसाब से जो इसकी विड्थ है वो कम है और लेंथ तो इसकी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 6.5 mm आपके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डुअल लेयर वाली योगा मैट है जो जिसमें दो लेयर होती है, तो दो लेयर वाली योगा मैट काफ़ी अच्छी होती है। नीचे जो है आपको एक रबर फिनिश मिल जाती है और ऊपर आपको थोड़ा फोमी टाइप होगा जिस पे आप आराम से ग्रिप कर सकें। ये बिल्कुल भी फिसलती नहीं है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा सकता हूँ जब मैंने ली थी इसे। तो आप देख सकते हैं ये योगा मैट मेरे हाथ में है। ये मैंने जब ऑनलाइन परचेज़ की थी तब मुझे ये मिली थी, ये ऐसे रैपर में आई थी, मैंने अमेज़ोन से ली थी इसे। ये अराउंड 1100 की पड़ी थी मुझे। सो मैं इसे अभी आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। सो अभी मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से खोलना पड़ रहा है। इस योगा मैट के बारे में मैं आपको यही बता दूंगा कि ये इसकी विड्थ कम है। ये देख सकते हैं आप एरोलाइट का, आपको ये एक सबसे पहले वो इसके साथ स्ट्रैप मिलता है जिसमें आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। ये एरोलाइट इसके ऊपर लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है एरोलाइट। अभी इसका बस एक मुझे मेन इशू यही लगा कि इसकी जो विड्थ है वो कम है, बाकी इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रिप भी अच्छी है और मतलब इसकी दोनों साइड से ग्रिप अच्छी है। मतलब आप इसे घास पर बिछा लें या फिर फर्श पर बिछाएंगे तो भी इसकी ग्रिप अच्छी है और घास पे भी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। देखिए इस तरीके से इस पर प्रिंटेड है एरोलाइट, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छा लग रहा है देखने में इस तरीके से बनाया हुआ इसे। ये डुअल लेयर वाली आप देख सकते हैं और ये 6.5 mm वाली है, आप देख सकते हैं 8.5 नहीं है, 6.5 mm वाली है। और ये देखिए इसमें जो उल्टी साइड जो लेयर है रबर की, हल्की सी लेयर है, ये इस तरीके से टेक्सचर्ड है जिससे ग्रिप बनी रहेगी आपके फर्श पे हो चाहे या फिर आप घास पे हो, ये फिसलेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं डुअल लेयर, इस तरीके से चिप बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चिपकाई हुई है ये एरोलाइट। देखिए कितना अच्छे तरीके से प्रिंटेड है इसके ऊपर। ये देखिए इसकी लेंथ तो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो विड्थ है वो मेरे हिसाब से कम है। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी और विड्थ होनी चाहिए थी, अराउंड 2-2 inches दोनों साइड, 4 inches और होनी चाहिए थी, 28 के आसपास होनी चाहिए थी। इसमें लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, आराम से इस पर 6 फुट वाला इंसान आराम से लेट जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए ठीक ठाक लेंथ है इसकी। इसमें सामने जो फोम है उस पर भी मतलब थोड़ी थोड़ी इस तरीके से ग्रिप है इस पर अच्छी सी, जिस पर आप बिल्कुल भी फिसलेंगे नहीं इस तरीके से। आप जो लोग थोड़े अच्छे वाले पोजेस करते होंगे योगा में, मीन्स जो थोड़े बैलेंसिंग वाले होते हैं, उसमें आपको ग्रिप मिलेगी, इसमें आराम से आप कर सकेंगे, बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं है।
इस योगा मैट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस योगा मैट में मेरा रिव्यू यही है कि आप इसकी विड्थ थोड़ी कम है, बाकी इसकी लेंथ में कोई इशू नहीं है। वैसे आप इसे खरीद सकते हैं।